हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू फिट इंडिया। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यू फिट इंडिया में। मेरा नाम है पुनीत गर्ग और जैसे आपके लिए रोज़ लेकर आता हूँ नई वीडियो जिसमें आपके साथ डिस्कस करता हूँ बहुत सारे इक्विपमेंट्स के बारे में। बहुत सारे इक्विपमेंट का रिव्यू भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आगे भी करते रहेंगे। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप कोई फिटनेस इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं या फिर इन फ्यूचर में लेने की सोच रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपकी कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है या आप कोई प्रोडक्ट लेने में कंफ्यूज होते हैं तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप यूज़ कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है इसको ज़रूर नोट कर लीजिए अपने पास, यूफिट इंडिया के नाम से या फिर पुनीत गर्ग के नाम से, ताकि आपकी कभी भी कोई इशू है तो आप डायरेक्टली हमारे को मैसेज कर सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन आपको वहाँ पर ही दे देंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास एक नया सवाल आया है, हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा है। नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं और वो चाहते हैं एक ट्रेडमिल लेना। वेट उन्होंने बताया है 75 kg, 75 किलो उनका मैक्सिमम यूज़र वेट है फैमिली में, और ट्रेडमिल उन्होंने जो चूज़ की है उसके बारे में पूछना चाहते हैं। आज उस ट्रेडमिल का रिव्यू करेंगे। उन्होंने हमसे पूछा है फिटकिट FT 100 के बारे में, तो क्या उनको ये ट्रेडमिल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले FT 100 की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के बारे में कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। दोस्तों, 3.5 हॉर्स पावर का DC मोटर मिल रहा है। इसका मतलब है कि इसकी मोटर जो है वो 1.75 हॉर्स पावर कंटिन्यूस मोटर है। साथ ही साथ स्पीड जो मिल रही है 0.8 किलोमीटर पर आवर से लेके 14.8 किलोमीटर तक की इसके अंदर आपको स्पीड मिल रही है। तो इसका मतलब है टॉप स्पीड जो होगी 14.8 किलोमीटर पर आवर तक की होगी। वेट कैपेसिटी जो कंपनी ने मेंशन की है वो 110 किलो की है, लेकिन साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि वॉकिंग वेट कैपेसिटी है 110 किलो और रनिंग वेट कैपेसिटी है 90 kg। तो इस बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। बात करते हैं इसके साइज़ की। तो साइज़ जो इसका ट्रैक साइज़ आपको मिल रहा है 16.5 x 49 in का मिल रहा है। विथ जो रहेगी बेल्ट की वो 16.5 in की रहेगी और जो लेंथ रहेगी बेल्ट की वो 49 in की रहेगी। तो कॉम्पैक्ट साइज़ की ट्रेडमिल है, फोल्डेबल है, मैनुअली इंक्लाइन है। अगर आप इंक्लाइन यूज़ करते हैं तो मैनुअली उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक मसाजर भी मिलता है क्योंकि वो एक मल्टी फंक्शनल ट्रेडमिल है, तो आप मसाजर भी यूज़ कर सकते हो। तो एक आपको एडिशनल फीचर इसके अंदर मिल जा रहा है। बात कर लेते हैं इसकी वारंटी की। तो जैसा कि कंपनी हर ट्रेडमिल में ऑफर कर रही है, 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 3 ईयर की मोटर वारंटी और साथ ही साथ पार्ट्स एंड लेबर की 1 ईयर की सर्विस। बाकी और मेरे हिसाब से अगर बात करें प्रोग्राम वगैरह की, उनके बारे में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड होता नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ट्रेडमिल के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो उसकी मोटर होती है, वो इसकी स्पीड होती है, वो उसका साइज़ होता है, वो उसका सस्पेंशन होता है, यही चीज़ देखने वाली होती है। इसके अलावा बाकी सब चीज़ें मेरे लिए फ़ायदे की नहीं है। तो दोस्तों, ट्रेडमिल का जो प्राइसिंग है अप्रॉक्सीमेट 25,000 rupees के आसपास उनको मिल जाएगा जो आज की डेट में अमेजोन पर ऑफ़र आ रहा है। अगर थोड़ा क्रेडिट कार्ड का ऑफ़र लगा देंगे तो थोड़ा सा प्राइस और कम हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑफ़र के ऊपर कि कब कौन सा ऑफ़र चल रहा है। तो अब बात करते हैं जो उन्होंने हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। उन्होंने हमें बताया है 75 kg यूज़र वेट है उनकी फैमिली में, तो क्या उनको ये ट्रेडमिल लेना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये ट्रेडमिल आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडमिल अच्छा है आपकी यूज़र के हिसाब से। बट आपने अपनी हाइट मेंशन नहीं की है। अगर आप अपनी हाइट मेंशन कर देते तो मैं आपको और अच्छे से सजेस्ट कर देता कि आपको ये ट्रेडमिल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके फैमिली में सभी की हाइट 5.5 feet से कम है तो ही आप इस ट्रेडमिल के लिए जाइए, क्योंकि इसका जो ट्रैक साइज़ है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन इस प्राइस में इससे ज़्यादा बड़ा ट्रैक साइज़ आपको मिलेगा भी नहीं, तो आपके लिए ये ट्रेडमिल सूटेबल रहेगी। आते आते बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, कभी भी कोई ट्रेडमिल लेने से पहले अगर हो सकता है तो उसको ट्राई करके ज़रूर देख लें, या फिर आप अपने किसी लोकल डीलर से लेंगे तो आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है। क्योंकि कल को ट्रेडमिल में प्रॉब्लम आएगी तो आपको सर्विस कहाँ से मिलेगी, सबसे पहले ये चेक कर लीजिए। एक बात और मैं अपने व्यूअर से कहना चाहता हूँ, जब भी वो कोई ट्रेडमिल ऑनलाइन पसंद करते हैं तो जो उसकी डिस्प्ले पिक होती है आप उसको रियल मत समझा कीजिए। सबसे पहले अगर उस ट्रेडमिल में आपको रिव्यूज़ दिए हुए हैं तो उन रिव्यूज़ में जाके उस ट्रेडमिल की ओरिजिनल फ़ोटो अगर किसी ने पोस्ट की हुई है
तो वो जरूर देखिए, आपको डिस्प्ले पिक और ओरिजिनल पिक में बहुत अंतर नज़र आ सकता है, क्योंकि डिस्प्ले पिक जो होती है वो बहुत खास कैमरों से ली हुई होती है, उसके अंदर बहुत सारी एडिटिंग की हुई होती है, लेकिन जब ओरिजिनल ट्रेडमिल आपके घर आती है तो उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, और हो सके तो ट्रेडमिल को देख कर, चला कर, ठोक बजा कर, तब अपना डिसीजन बनाइए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी संतुष्ट होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया है जिसे मैं बताना भूल गया हूँ तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कमेंट में हमें कमेंट कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपको मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ जाकर भी हमसे बात कर सकते हो। तो दोस्तों, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में जिसमें बात करेंगे एक और नए टॉपिक का। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।